डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म साला खड़ूस आज हो गई है रिलीज। फिल्म साला खड़ूस एक तमिल हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट सुधा कोनकरा ने किया है। इस फिल्म में एक्टर आर माधवन और ऋतिका सिंह मेन लीड में है। फिल्म की स्टोरी में बॉक्सर के स्ट्रगल और बॉक्सिंग में होने वाले पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया गया है। फिल्म साला खड़ूस के बारे में क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले काफी अच्छी है। आर माधवन और ऋतिका सिंह दोनों ने फिल्म में दमदार एक्टिंग से लोगों को काफी इम्प्रेस किया है। इस फिल्म में ऋतिका सिंह की एक्टिंग को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ऋतिका की यह डेब्यू फिल्म है। हम आपको बता दें, एक्ट्रेस ऋतिका रियल लाइफ में भी एक बॉक्सर है, इसलिए उन्हें एक बॉक्सर का रोल अदा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिल्म साला खड़ूस हिंदी के साथ साथ तमिल में इरुदी सूत्र के नाम से भी रिलीज किया गया है। क्रिटिक्स ने तो इस फिल्म को काफी शानदार बताया है, लेकिन अब देखना यह है कि फिल्म साला खड़ूस को ऑडियंस ने कितना सराहा है। एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस, नाइस मूवी। ऋतिका इज हार्ट एंड स्पिरिट ऑफ साला खड़ूस, मस्ट वॉच। खड़ूस पंच। साला खड़ूस इज वन ऑसम मूवी, बॉक्सिंग एट द पीक, द हीरोइन स्टील्स द शो। I was absolutely loving Sala Khadus until they decide to have him fall in love. They had to screw up the coach-disciple relationship. It's a good movie with predictable climax. Actor Madhavan has acted well and played his part to the top. Good job. It would be heartening to see one of my favorite actor Madhavan blow everyone away with Sala Khadus. Good luck. Masti Zade jaise bakwas movie na dekho. Dekhni hai to jao Sala Khadus dekho. अपने ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाओ।